नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेरणा डीबीटी ऐप की नई अपडेट न्यू रजिस्ट्रेशन 2022-23 होने के बाद पुराने सत्र 2021-22 की डीबीटी प्रक्रिया की जानकारी अब आपको शो नहीं हो रही होगी कि विद्यालय में कौन कौन से बच्चों का पैसा नहीं आया है और किन अभिभावकों का आधार अभी तक बैंक खाते से लिंक नहीं हुआ है आदि जानकारियाँ। यह सब जानकारियाँ बिना डीबीटी ऐप के कैसे देखनी है वह हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सबसे पहले आप prerna.up.in वेबसाइट पर टीचर लॉगिन ऑप्शन से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड में पहले डीबीटी स्कूल डिटेल्स पेंडेंसी एनालिटिक्स फेज 2 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस पेज पर विद्यालय में कितने बच्चों के खातों में पैसा आ गया है और शेष कितने बच्चे रह गए हैं उनकी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर सिर्फ एक बच्चा शेष रह गया है और यह बच्चा कहाँ पर पेंडिंग है उसकी जानकारी भी आप इस पेज को लेफ्ट साइड में जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर नॉट सीडेड में पेंडिंग दिखा रहा है, इसका मतलब अभिभावक का आधार अभी तक बैंक खाते से लिंक नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर कोई और पेंडेंसी किसी बच्चे की होगी, जैसे सस्पेक्टेड स्टूडेंट पेंडिंग एट बीओ, स्टूडेंट रिवर्टेड बाय बीओ आदि, तो वह भी आपको यहीं पर दिख जाएगी। ध्यान रहे, यहाँ पर सिर्फ आपको अगर आधार खाते से लिंक नहीं है तो आपको उसे लिंक करवाने के लिए अभिभावक को कहना होगा, क्योंकि इसके अलावा डीबीटी की बाकी प्रक्रिया अब समाप्त कर दी गई है। अब इस पेज पर जिस बच्चे की पेंडेंसी दिखा रहा है उसकी पूरी जानकारी देखने के लिए आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में दूसरे ऑप्शन डीबीटी स्टूडेंट करंट स्टेज एनालिटिक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके विद्यालय में डीबीटी प्रक्रिया में शामिल सभी बच्चों की पूरी जानकारी आ जाएगी, जैसे किस छात्र की पेमेंट हुई है या नहीं और किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं आदि जानकारियां दिख जाएंगी। यहीं पर नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर जिस छात्र के अभिभावक का आधार सीडेड नहीं था उसका करंट स्टेटस में आधार नॉट सीडेड मार्क बाय PFMS पोर्टल लिखा हुआ भी आ रहा है, और अगर इसके अलावा कोई और कारण होगा तो वह भी आपको यहाँ करंट स्टेटस वाले कॉलम में दिख जाएगा। इसके साथ साथ इस पेज पर आप अपने विद्यालय के सभी बच्चों का डाटा आसानी से चेक कर सकते हैं और जिनका आधार सीडेड नहीं है उनका खाता सीडेड होने पर या NPCI सर्वर पर मैप होने की जानकारी आपको अपने BRC पर भी देनी होगी। NPCI सर्वर पर आधार मैपिंग की जानकारी कैसे करनी है वह मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथियों, अगर आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं तो आपको नए सत्र की DBT प्रक्रिया में पुराने बच्चों से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपको सिर्फ नए बच्चों पर ही कार्य करना होगा। इसके अलावा नए सत्र में प्रेरणा पोर्टल पर और DBT ऐप से छात्रों का रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया गतिमान है। नई प्रक्रिया से स्टेप वाइज प्रैक्टिकल तरीके से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वह वीडियो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।